वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स टू पैल वर्ल्ड, जहाँ पे पिछली बार भाई हमने पीटा, भाई हमने इतना पीटा, इतना टॉर्चर किया हमने पैल्स को, मजा ही आ गया भाई। आज भी करेंगे भाई, टॉर्चर नहीं किया पैल्स को तो क्या मजा, देयर इज लिटरली नो मजा विदाउट दैट। तो या वी विल बी डूइंग दैट, पर मेरा बड़ा गोल इसमें यह है कि मुझे यार एक लाइक इस डायरेक्शन में जाना है और थोड़ा एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा नीचे साइड गए थे, बहुत अलग अलग टाइप के पैल्स देखे थे, तो यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। बट जो सबसे बड़ा गोल मेरा ये है, आज मुझे यार एक राइड पैल चाहिए। मुझे पता है कि तुम इसमें कुछ पोकेमोन या कुछ पैल्स लाइक कर सकते हो टीम, जिस पे तुम राइड कर सकते हो गाइस, तो यार वो मुझे देखना है भाई। बट गाइस प्रोग्रेस अपडेट प्रीटी क्विक, मैं जल्दी से फटाफट प्रोग्रेस अपडेट देता हूँ एक। तो मेरी यार प्रोग्रेस लाइक जो सेव फाइल है वो मेरी करप्ट हो गई थी, तो मुझे फिर से बनानी पड़ी, एंड इट वॉज नॉट अ बिग डील क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था फर्स्ट एपिसोड में। सो यार लाइक यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसके बाद भाई मैंने डिसाइड किया एक छोटा सा स्टार्टर बेस बनाने का, एंड ये हमने एक छोटा सा बेस बनाया है, कोजी कोजी सा। यहाँ पे एक बेड लगा दिया है मस्त वाला, आई थिंक रात होने भी वाली है, तो या आई थिंक आई कैन गो स्लीप। यहाँ पे हमने वर्क बेंच लगा दी है, थोड़ी चेस लगा दी है, एंड यहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। तो ऊपर का मैं कंप्लीट करूँगा, मे बी नॉट टुडे बट मे बी लेटर, आई डोंट नो, बट हाँ लाइक ऊपर भी मैं कुछ करने का सोच रहा हूँ भाई। ओ भाई रात हो गई है, ओके परफेक्ट वे टू शो यू गाइस ये कैसे काम करता है, मीन काम क्या कैसे करता है भाई। सोना तो आता ही सबको, काम करना कैसे बता रहा हूँ भाई, मैं लिटरली बस सोना है भाई, दैट इज हाउ इट वर्क्स। पर पता है निकलने से पहले मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है। तुम अगर राइट साइड में देखोगे ना, एक चीज़ उन्होंने बोली है, बिल्ड अ पैल बॉक्स इन एन ओपन स्पेस। तो यार ये बहुत ही क्रेजी चीज़ है, जैसे कि अपना लाइक वो होता है ना पोकेमॉन सेंटर और ये सब होता है, वैसा ही टाइप का यार हम लोग ये पैल बॉक्स लगा सकते हैं, ऐसे हम लोग लाइक अपने पोकेमॉन एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ भाई, ये चीज़ एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इसका पोजिशनिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे भी तुम लगाओगे ना उसके अराउंड एक बड़ा सा एरिया है, वो तुम्हारा बेस बन जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी एक सेंट्रल जगह पे हम लोग लगाएं जहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी हो भाई, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज हैं। सो मे बी आई लाइक पुट इट लाइक राइट ओवर हियर आई गेस, लेट्स होप दिस इज फाइन। ठीक है, आई जस्ट बिल्ड इट हियर। ये देखो भाई कितना बड़ा ये है ना, ऊपर तक जा रहा है भाई पूरा, डैम बॉय। ओके, तो इसमें भाई हम लोग अपने पैल्स मैनेज कर सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे पकड़े थे फॉर एक्सपीरियंस बूस्ट, एंड इसमें मैं जो फालतू वाले हैं उनको पटकने वाला हूँ भाई। तो ये तीन हमारे मेन वाले रहेंगे, और एक काम करते हैं ना, इसका नाम रख देते हैं हम लोग कुछ और, मैंने इसका नाम भाई पिछली बार कवि कैवी रखा था, तो मैं या आई एम गोना चेंज दैट, इसका नाम मैं वूलू रखने वाला हूँ। वूलू एक पोकेमॉन का नाम था राइट? नहीं, वूलू नहीं रखेंगे भाई, वूली रख देते हैं, चलो ठीक है, आई मीन या दिस लुक्स फाइन। अच्छा, तो तुम अब ये देख रहे हो ये चीज़ यहाँ पे ब्लू लाइन, तो ये पूरा बहुत बड़ा सर्कल है, एंड उस सर्कल के जो भी अंदर है ना वो अपना हमारा बेस का एरिया घोषित किया गया है। तो या दैट इज़ वाई हमें एक अच्छा स्पॉट चाहिए था भाई। ओ शिट यार, एक सेकेंड, हमारा पूरा बेस तो आ नहीं पाया इसमें। ओ नो मैन, दैट एंड ग्रेट, हमारा आधा बेस नहीं आ पाया भाई, हमारा जो बेड है वो तो आ ही नहीं पाया इसके अंदर। आई मीन ठीक है, इट शुड बी फाइन आई गेस, इतना कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, इसमें पता है मिशंस वगैरह भी होते हैं, हम लोग इसे फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें मैं सीधा आके फास्ट ट्रैवल कर सकता हूँ, एंड लुक्स लाइक यहाँ पे एक और लाइक ये वाला फास्ट ट्रैवल वाली चीज़ है, तो या वी डेफिनेटली नीड टू अनलॉक दैट। और यहाँ पे एक ये भी है भाई मेमोरिस्ट लेवल 38 का। पर ये जो मिशंस है ना यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिप्लॉय अ वर्क पैल टू योर बेस। तो ये चीज़ कैसे करते हैं कि कोई सा भी पैल उठाओ और यहाँ पर डाल दोगे ना, तो ये मतलब वर्कर बन गया भाई यहाँ पे, तो अब जो भी काम वाम होगा ना सब कुछ ये यहाँ पे करेगा। ये क्या क्राफ्ट कर रहा है? अच्छा, मैंने क्लॉथ डाला था क्राफ्टिंग के लिए इसमें, तो गाइस ये लोग क्राफ्ट करते हैं। हाँ भाई, तो मैं इसे इनको उठा भी सकते हैं भाई, तो ये लोग क्राफ्ट भी करते हैं, ये बहुत सही चीज़ है यार, आई रियली लाइक दैट। ओके, आई एम गोना मेक अ बो, पर मेरे को बनाने की जरूरत नहीं भाई, खुद ही बना देगा, क्या बात है भाई, शाबाश लड़के। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से गिव अवे के विनर्स अनाउंस करना चाहता हूँ, एंड मैं वैसे तो एक की गिव अवे करने वाला था, पर मैंने सोचा क्यों ना दो की जाए, बिकॉज यू गाइस रियली लाइक द गेम। तो मैंने दो विनर्स ड्रॉ किया एट रैंडम, एंड कोइंसिडेंटली दोनों के पास ही पीसीज हैं, सो दैट इज ग्रेट, कीज भाई किसी के हाथ में जा रही हैं जिनके जो खेल सकते हैं। तो द फर्स्ट विनर इज AK479A, ये उसका यूजर नेम है भाई, प्लीज यहाँ इस वीडियो पे भी कमेंट कर देना, पर आई विल ट्राई टू फाइंड योर कमेंट, एंड मैं तुम्हें एक लाइक रिप्लाई करूंगा जहाँ पे तुम्हें अपना ईमेल आईडी मुझे बताना है। एंड द सेकेंड विनर इज नीत UGM7B2, पता नहीं भाई बहुत कुछ लिखा है इसमें, बट या मैन प्लीज़ रिप्लाई इन दिस वीडियो एज वेल, एंड मैं तुम्हारा कमेंट वैसे भी ढूंढने का ट्राई करूंगा, एंड या मैं पूरा प्रोसेस तुम्हें फिर समझा दूंगा। बट या गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट ओके लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो।
ये भाई एक्सपर्ट है क्राफ्टिंग वगैरह में, और ये ए वेट वो कौन है, एक मिनट मेरी बो कहाँ है भाई, मेरी बो कहाँ है, बो बना दी तूने मेरी, वॉन्डरिंग मर्चेंट, अच्छा ओके, सो इज ही अ फ्रेंडली और व्हाट, आई गेस ही इज अ फ्रेंडली, अभी तो कुछ ना कुछ किया तो नहीं है, हेलो कौन है भाई ये, वेलकम आई हैव गॉट सम गुड आइटम्स इन स्टॉक, ओके ओह नाइस मैन, तो ये सामान वामान काफी अच्छा बेच रहा है, अच्छा तो इधर लगते हैं तुम्हारे गोल्ड कॉइन्स, मैं वही सोच रहा था भाई किधर लगेंगे, ओके इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसमें मेडिसिन लाइक एचपी हीलिंग करती हैं, ये सब मतलब अलग अलग स्टेटस इफेक्ट्स के लिए हैं, पैंस भी ऐसे बहुत महंगे हैं, मैं नहीं कलेक्ट करने वाला इसमें से, मतलब मैं खरीद नहीं रहा इससे, ये क्या कलेक्ट किया तूने, ये कहाँ से लेके आ गया तू, व्हाट अबे ये क्या लेके आ गया भाई, ट्रेजर हंटर बन रही है भाई ये तो कतई, देखो अपने आप जाके चेस्ट में भी डाल दिया इसने, पैल स्मॉल पैल सोल, अच्छा ओके 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 ठीक है भाई, बट एनीवेज मैं तुम्हें ये दिखा रहा था भाई, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ भी कर सकते हैं, वी कैन अपग्रेड दिस, तो हम लोग यहाँ पे मिशंस करते हैं ना तो अपग्रेड्स मिल जाते हैं हमें, बिल्ड अ शॉडी बेड, अरे यार बता हमारा बेड है ना जो वो इसके बाहर है, लोकेशन के बाहर है यार, तो वो एक दिक्कत है इस गेम में यार, मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि तुम ये बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह है ना उनको पिकअप नहीं कर सकते, तो मैं वो पैल बॉक्स को पिकअप कर ही नहीं सकता अब, और मे बी आई कैन प्लेस इट लाइक ऑन द टॉप फ्लोर, श्योर मैन, हाँ ये कर सकते हैं, मैंने प्लेस इट लाइक राइट ओवर हियर आई गेस, हाँ ये ठीक लग रहा है भाई, पै पै रे पै पै, क्या हुआ क्या कर रहे तू, गैदरिंग क्या बात है यार, ये लोग इस एरिया में के अंदर जो भी इनको मिलता है ना वो सब उठा के ले आते हैं यार ये लोग, कितने सही चीज़ है ना भाई, ये पैल बॉक्स वाली चीज़ मेरे को बहुत सही लगी भाई, ओके तो हमारे पास भाई देखोगे तो मैं तो एक और स्लॉट खुल गया क्योंकि हमने अपग्रेड किया था ये अपना बेस, तो मैं सोच रहा हूँ एक इसको भी डाल के देखते हैं, ये चिकन जो होती है ना ये भी काफ़ी सही रहती हैं, कुछ करेगी क्या ये, हेलो चिकन व्हाट्स अप गर्ल, आई डोंट थिंक चिकन्स लाइक रियली डू एनीथिंग, वेट अ सेकेंड, हम लोग एक और ये डाल देते हैं, ओके हाँ कुछ तो कर रहा है भाई, गैदरिंग कर रहा है, चलो बट बढ़िया भाई बहुत ही बढ़िया, अपग्रेड बिल्ड फीड बॉक्स बिल्ड स्ट्रॉ पैल बेड, यार तो ऐसे मिशन तो आते रहेंगे, मैं अभी फिलहाल के लिए जाने वाला हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, एंड बाद में आके देखेंगे ये सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई जस्ट नीड लाइक अ लॉट ऑफ पैल बॉल्स लाइक पैल स्फीयर्स एटलीस्ट लाइक 25 और समथिंग, एंड सारे वेपन्स वगैरह हमें तैयार करके रखने हैं, देन वील मूव ऑन, ओके बॉयज आई थिंक हम लोग हैं एकदम तैयार, मेरे पास है खाना, मेरे पास है एरोज बो, सब कुछ भाई मैं तैयार कर लिया है, फूड भी है, सब है भाई अपने पास, एंड पैल्स भी अपने पास 25 है, विच आई थिंक शुड बी मोर देन एनफ, पर एक लास्ट चीज़ है जो मुझे कलेक्ट लाइक बनानी है, वो गाइस मेरे को लग भी नहीं रहा था कि हम लोग इतनी जल्दी बना पाएंगे, बट वी कैन, नॉर्मल पैराशूट गाइस हम लोग ये बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें 10 वुड चाहिए जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, वुड तो अपने पास है काफ़ी सारे, आजा शीप मदद कर दे थोड़ी सी, नाइस गर्ल नाइस गर्ल, और ये हो चुका है भाई तैयार, बाय बाय शीप हैव फन, अपन यार एक काम करते हैं इधर से कूद जाते हैं भाई, देखते तो मजा आएगा, ये देखो भाई कितना कूल है, कूल तो भाई है यार, ये तो मानना पड़ेगा भाई, पर देख रहे हो तुम स्टैमिना कितनी जल्दी जाता है भाई, स्टैमिना इंस्टेंट चला गया यार, तो वो यार एक दिक्कत है इसकी, अच्छा तो तुम्हें याद है पिछली मिशन में हम लोगों ने ये वाला एक पैल देखा था, मुझे यार इसको पकड़ना है, पर ये 10 लेवल का है यार, मैंने अभी नोटिस किया, मे बी दिस इज अ लिटिल हाई लेवल फॉर अस, मे बी जस्ट मे बी, बट दैट डज नॉट मीन कि हम लोग ट्राई नहीं कर सकते इसको पकड़ने का, वी कैन ट्राई, यू नो व्हाट लेट्स ट्राई मैन, ये एक्चुअली सोने भी वाला है, इसका कितना है 1% कैप्चर रेट, व्हाट डूड यू गॉट टू बी किडिंग मी मैन, ओके कम ऑन 34 ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आई कैन सी, आई कैन सी के हमारे को थोड़ी दिक्कत आने वाली है, ओ व्हाट भाई इट लिटरली अटैक्ड मी मिड एयर मैन, आर यू किडिंग मी राइट नाउ, ओके आई डॉज दैट फुल लेजेंड्स आरसीएस स्टाइल, निकलो भाई यहाँ से, मैं लेट दबा रहा हूँ, बहुत लेट कर रहा हूँ भाई मैं बहुत, ए निकलो भाई बच गए, कितना कूल हूँ भाई मैं, यस ओह शिट ओके, ज़्यादा बड़ाई करोगे तो यही होगा, एरो मिस होते रहते हैं, ओ भाई ओ शिट, मैंने उसको हिट कर दिया क्या, मैंने पीछे बॉस को हिट कर दिया, शिट भाई नहीं 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 नहीं, वो बड़ा सा मैमथ है ना, मैंने उसको हिट कर दिया भाई, गलती से लग रहा है, आ गया भाई वो आ गया भाई, ऑफकोर्स अब ये सब कांड करूँगा मैं तो यही होगा ना, ओ नो कितना हो रहा है, 10% मैं ट्राई कर लेता हूँ भाई, मुझे नहीं पता, ओ भाई कम ऑन मैन वेट पकड़ में आ गया वो क्या
क्या भाई 10% कैप्चर रेट पे पकड़ में आ गया भाई. ओह माय, आई कांट बिलीव इट ड्यूड, आई एक्चुअली कांट बिलीव इट मैन. वेट वेट वेट, रियली? एक मिनट. तो अच्छा भाई, ये सब तोड़ कौन रहा है? तू तोड़ रहा है क्या? ये सब तोड़ तोड़ के इधर पटक दे रहा है भाई ये. अच्छा ये तो रहा मेरी पार्टी में ही है, और मैंने इसकी हेल्थ यार बहुत ज़्यादा कम करी भी नहीं थी भाई. 1000 हेल्थ है बंदे की. व्हाट, आई मीन इनकी भी वैसे इतनी है, 800 क्या करीब नहीं है भाई. डैम डूड, ओके लेट्स टेक हिम आउट डूड. क्या है ये बंदा, व्हाट इज दिस गाय इवन? इसकी एबिलिटी लॉन्ग दिख रही है यहाँ पे. ओ ओ कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ए वेट रियली, ओ ही कलेक्ट्स वुड. भाई दिस इज सुपर नाइस मैन, हम लोग को फ्री का वुड मिल जाएगा. डूड दिस इज डोप, दिस इज डोप, वी नीडेड दिस. भाई इतने पत्थर किसने कलेक्ट कर रखे हैं इधर? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है भाई बेस पे ये? ओके भाई आ जा तू, अभी काम नहीं करा रहा तेरे से मैं. डूड आई स्टिल कांट बिलीव इट मैन, दैट वॉज अ क्रेजी कैच. हमारे लक आज अच्छा हो सकता है भाई. मुझे फिर से ऑफकोर्स नीचे जाना है, मेरा सामान भाई डिस्पॉन होपफुली ना हो. मुझे नहीं पता भाई होता है कि नहीं होता है इस गेम में, बट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम भाई पहले वही करते हैं अपन. भाई सीधा मेमोरेस्ट ही आ गया था, मेरे को लग रहा है हम लोग पता है मेमोरेस्ट से मरे थे. वो बड़ा सा मेमोरेस्ट था ना, वो पता है बॉस था भाई, बॉस था भाई वो बंदा. आई हैव गॉट एन आइडिया. ओ ये क्या है, पेंग्यूलेट. नाइस मैन, दैट लुक्स प्रिटी कूल. 5 लेवल के हैं बट दे लुक प्रिटी कूल मैन, लाइक इट लुक्स लाइक एन आइस एंड वाटर टाइप पोकेमॉन. पकड़ेंगे भाई उसको भी, पकड़ेंगे अपन आज सबको पकड़ लेंगे ब्रो. मैं सोच रहा हूँ पहले उसको खोल लेते हैं जरा फटाफट से, फिर क्या हम लोग कर पाएंगे वहां से सीधा अपन बेस पे फास्ट ट्रैवल कर पाएंगे भाई. दैट वुड बी गेम चेंजिंग डूड. देयर वी गो, अनलॉक फास्ट ट्रैवल, एंड मैं एकदम फटाफट झटापट जाने वाला हूँ भाई इधर. एंड या इससे भाई तुम्हारे कुछ आइटम्स ड्रॉप नहीं होते हैं, सो दैट इज प्रिटी कूल. भाई मेरे को ऐसा लग रहा है ये बंदा अटक गया भाई इधर. आई थिंक दिस गाय इज लॉस्ट, आई माइट हैव टू किल हिम मैन. सॉरी ब्रो बट यू हैव गॉट टू बी डेड नाउ. विजिटर हैज लेफ्ट द बेस भाई. या आई डोंट थिंक ही हैज लेफ्ट द बेस, आई थिंक ही हैज लेफ्ट द वर्ल्ड. इसने कुछ लीव भी किया है. 152 कॉइंस, नॉट बैड मैन, थैंक यू फॉर दैट. यार पता है जाने से पहले मैं फटाफट एक और काम भी करने वाला हूँ. मेरे बेचारे पैल्स यहाँ पे इतनी मुश्किल से भाई मेहनत से काम कर रहे हैं, तो मेरे को एक चीज़ करनी है इनके लिए कि इनका बेड बना देते हैं यार. ये वाला जो बेड है ना, वी कैन मेक दीज फॉर दीज गाइज, एंड फीड बॉक्स भी लगा देते हैं. तो ये लोग क्या ना यहाँ पे अपने आप ही जब सोना होगा तो सो जाएंगे, एंड खाना होगा तो खाते रहेंगे भाई. मेरे को लग रहा है ये करके अपना एक मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा. लेट मी जस्ट सी मैन, आई थिंक एक तो मिशन कंप्लीट हुआ. या एक और बेड हमें लगाना है. यू नो व्हाट, वी विल जस्ट कंप्लीट दिस मिशन एंड गो मैन. एंड बट अ मी एम बॉय, दैट शुड डू इट. देखिए जरा, येस वी कैन अपग्रेड. नॉइस नॉइस, हम लोग अब 4 पैल्स से काम करा सकते हैं बेस पे, जो कि भाई बड़ा अपडेट है भाई. तो मैं 2 बकरियां डालने वाला हूँ, क्योंकि बकरियां पता है अच्छी गैदरर्स हैं. तो हमारे पास एक ये बंदा तो है ही जो कि चीज़ें तोड़ता है, पर गैदर करने वाले बहुत कम हैं. और मैं एक और चीज़ कर देता हूँ एक्चुअली, मैं यहाँ पे एक वो लगाता हूँ चेस्ट. थोड़ी इसके वुड चाहिए मेरे को, पर इन लोग को पता है पूरा घर तक जाना पड़ रहा है अभी. अगर चेस्ट होना तो ये अच्छी बात रहेगी कि इनको पूरे घर तक जाने की ज़रूरत नहीं है. So we'll put a chest right over here. This should be better. चलो भाई देखो सही काम कर दिया ना मैं तुम्हारे लिए. कैसा ओनर हूँ भाई मैं, क्या पापा हूँ मैं इनका. बिल्ड बेरी प्लांटेशन करके आ रहा है भाई एक. ओके आई गेस वील डू दैट लेटर. अभी के लिए वी आर सेट एंड रेडी टू गो बैक इन टू द वर्ल्ड. चलो पापा जा रहे हैं भाई बाहर, मजे करो ठीक है. किडनैप विडनैप हो जाओ तो जोर से चिल्लाना, एकदम चीखना तुम ठीक है. एक सेकंड, मैंने फीड बॉक्स तो बना दी पर मैंने बेरीज नहीं डाली इसमें, मैं भूल गया. एक सेकंड, टेक ऑल माय बेरीज गाइस. तुम लोग क्या याद रखोगे यार, मजे से खाओ यार. तुम लोग खाते हैं क्या लोग? ओ भाई दौड़ क्या रहा है, कितना भूख लग रही थी इसको यार. कितने क्यूट है भाई ये लोग. आई एम लविंग दिस मैकेनिक यार, ये जो बेस बिल्डिंग बेस मैनेजमेंट वाला मैकेनिक है ना, सो गुड डूड. वे हेलो गमशूस गमोस, पता नहीं क्या है ये, बट आई डिड सी इट इन द लास्ट एपिसोड, आई एम गोना कैच इट. पकड़ में तो आ जाना चाहिए भाई. ओए व्हाट रियली, कम ऑन मैन. फुल बैक टैकल करेगा इसको मैं भाई. क्या मारा है इसने मेरे को, एक सेकंड भाई थोड़ा और. एंड 85% इज गुड इनफ, कम ऑन. हाँ पकड़ में तो आ ही जाएगा अब. नाइस, तो इसका क्या है भाई, इसका क्या एबिलिटी है, लॉगिंग असिस्टेंट. मतलब क्या हुआ इसका मतलब, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ कटिंग ट्रीज. अच्छा क्या बात कर रहे हो, तो एक सेकंड में ट्राई करूं.
हाँ यार ओके थोड़ा ज्यादा मिल रहा है वर्ड ओके मैं देख पा रहा हूँ भाई थोड़ा ज्यादा मिल रहा है यार ये तो सही है यार चीज दैट इज नॉट बैड एट ऑल मैन. इसकी क्या एबिलिटी है यार लॉन्ग्ड क्यों दिखा रहा है इसमें इज दिस लाइक अ राइड पोकेमॉन. यार आर्क सर्वाइवल में तो हम लोग लाइक सैडल्स खोलते हैं भाई इन लोगों की एंड सैडल में कोई इसमें कुछ दिख नहीं रही है लाइक आई डोंट सी एनीथिंग लाइक सैडल लाइक तो मुझे पता नहीं भाई सैडल लगती है इसमें कि नहीं मे बी लगती हो आई डोंट नो. अच्छा ये तो रही भाई 12 लेवल पे खुलती है क्या. लेदर फाइबर इनगट भी लगता है इसमें कुछ एंड हॉर्न एंड पैल्डियम फ्रैगमेंट. हम लोग जाते हैं थोड़ा नीचे इधर कुछ नया है क्या. ओ वो कुछ है व्हाट इज दैट. वो कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है भाई एक सेकंड कैन वी गो देयर. ये क्या चीज है अंडा. ओके हमें अंडे मिले थे पिछली बार पर ये अंडा थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है भाई मुझे. अच्छा ये चीज है यहाँ पे लार्ज कॉमन एग बिल्ड एन एग इनक्यूबेटेड टू इनक्यूबेट पैल एग्स. ओ शिट. ओके दैट वाज अ रिस्की जंप दैट वाज अ वेरी रिस्की जंप भाई. ओके नाइस इस पे कुछ लग भी रहा है वैसे. हेलो अर्थ स्किल फ्रूट सैंड टोर्नेडो वेट व्हाट इज लाइक अ टीएम. ये टीएम है क्या मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है भाई टीएम है ये. तो वैसे पोकेमोन को लाइक पैल्स को सिखा सकते हो इससे कुछ. ओ भाई यहाँ पे कुछ नया दिख रहा है यार वेट अ सेकेंड. टी फैंट अ वाटर टाइप पोकेमोन आई थिंक ये है. ये इसको पकड़े क्या मस्त लग रहा है भाई मेरे को तो मस्त लग रहा है. एक सेकेंड यार इसको पकड़ते हैं. बैम ए व्हाट कम ऑन मैन. नाइस. ओके कम ऑन वी कैन डू दिस 79% आ जाएगा यार. नहीं क्या बात कर रहे हो. दूसरा वाला मारने वाला है मुझे. कम ऑन नाइस. इसको भी पकड़ लें क्या. वी कैन कैच दिस गाय. आ जा भाई मेरी पैल स्फीयर नहीं जाएगी उधर तक. शिट. इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है भाई इतना दूर तक नहीं जाता है ये. नाइस ये एरिया थोड़ा अलग है भाई मेरे को लग रहा है मैं वो सीधा टावर की तरफ जा रहा हूँ. ओ यार यहाँ पे बहुत सारे नए नए हैं यार. इसको तो हमने भी पकड़ा ही है बट व्हाट इज दैट. ट्रांजी करके कुछ तो है भाई. इट लुक्स सुपर कूल. क्या जंप मार रहा है भाई. एक सेकेंड बस ये भागे ना यार. एंड ओके डायरेक्ट हिट नाइस. ओ शिट. ओ भाई ओके ये वाला हिट अटैक मैं देख चुका हूँ पहले भी. नाइस कम ऑन भाई ये कुछ कर नहीं रहा मुझे. ओके मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ तो ओ शिट मैं इसको मारने वाला हूँ भाई. शिट भाई मुझे डॉज करना चाहिए. कम ऑन भाई. कम ऑन यार बैक स्ट्राइक्स लग नहीं पा रही हैं यार क्योंकि ये पीछे नहीं मुड़ रहा ना. कम ऑन भाई चीकी बास्टर्ड. आ जा भाई. थैंक यू फाइनली आया ये. और इसकी कुछ तगड़ी वाली एबिलिटी आई थिंक स्ट्रॉन्ग होल्ड स्ट्रैटेजिस्ट करके कुछ तो एबिलिटी है भाई इसकी. ओ हमें मेगास्फीयर मिला इससे. वेट रियली कैप्चर पावर 14 तो इसकी कितनी होती 7. आई थिंक दिस लाइक अ ग्रेट बॉल और समथिंग. या आई थिंक दिस अ ग्रेट बॉल. ओके मैं नीचे जाने वाला हूँ यार फिर से. मैंने तो अभी नीचे ही एक्सप्लोर नहीं किया यार पूरा. एंड देन वील सी हम लोग क्या कर सकते हैं ऊपर. ओ नो मैंने कुछ गलती कर दी क्या. ओ ओके भाई अच्छा हुआ मैं यहाँ पे गिर गया क्योंकि वहां पे मुझे एक ये दिख रहा है. ओ शिट मेरी हेल्थ जा रही है. वेट रियली. नहीं. कम ऑन मैं मरने वाला हूँ भाई. शिट यार कम ऑन मैन मेरा स्टैमिना पूरा खत्म हो गया था ना आई थिंक इसलिए दिक्कत आ गई. ओके लगे हाथों हम लोग जरा एक और चीज देखने वाले हैं जो हमें नया वाला पोकन मिला है उसकी एबिलिटी क्या है भाई. दिस गाय स्ट्रॉन्ग होल्ड स्ट्रेटेजिस करके कुछ तो गोल्डन है यार गाइस इस पे. मतलब ये कुछ तो मस्त है यार. इवन वूली की एबिलिटीज देखो भाई व्हाट द हेल.
इतनी सारी एबिलिटीज कैसे हैं इसके पास? वर्क स्लेव, वर्क स्पीड 30% पर अटैक इसका -30% है, ओके ओके, पर इसकी क्लम्जी एबिलिटी और है जिससे जिससे -10% वर्क स्पीड हो जाती है, तो लाइक इफेक्टिवली 20% ही इंक्रीज है, 30% इंक्रीज इन मूवमेंट स्पीड, ओके, 25% इंक्रीज टू प्लेयर लॉगिंग एफिशिएंसी। तो इसको मैं यार यहाँ पे लगाने वाला हूँ फिर तो, क्योंकि इस बंदे की स्किल्स अच्छी हैं। देखो मूवमेंट स्पीड कितनी अच्छी है इसकी, जल्दी जल्दी फटाफट रखेगा भाई सामान। ओके बट एनीवेज लेट्स चेक दिस गाय आउट, एंड अटैक इस वाले बंदे का ज्यादा है, सो लेट्स चेक दिस गाय आउट। व्हाट इज दिस गाय, इसकी भी एबिलिटी लॉक्ड है, वेट रियली, कम ऑन मैन। टेक्नोलॉजी में कुछ टैंजी का कुछ है क्या? टैंजी, डू यू हैव समथिंग? या ये रहा टैंजी असॉल्ट राइफल, व्हाट? एक सेकंड, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? असॉल्ट राइफल है क्या ये बंदा? टैंजी विल एंटर गनर मोड। गाइज आई थिंक हम लोग पोकेमॉन विद गन्स खोलने वाले हैं फाइनली। यार मुझे इस एपिसोड में 12 लेवल तक पहुंचना पड़ेगा भाई, दैट इज द गोल नाउ मैन, दैट इज द गोल। ऑल्सो मैं अपने सामान के बारे में भूल ही गया था, लेट मी जस्ट गेट दैट। ओ तो एलिफेंट की एबिलिटी है सूदिंग शावर, ये कुछ तो आई थिंक हमें हील कर सकता है, मे बी विल ही हील अस ऑर समथिंग। ओ या मैन नाइस, सूदिंग शावर रिकवर 200 HP। ओ ये क्या है भाई, पता नहीं क्या है, बट कांट टेक पंगीज राइट नाउ। आइटम्स रिकवर्ड बॉयज, लेट्स गो। ओए ये क्या फ्लाइंग टाइप भी होते हैं भाई इसमें, फ्लाइंग टाइप होते हैं डूड, फ्लाइंग टाइप होते हैं, नाइट विंग करके इसका नाम है। ओके वी कैन गेट ए फ्लाइंग टाइप माउंट नाउ, इट्स जस्ट द इशू ऑफ कैचिंग इट मैन, आई डोंट नो, ये आई थिंक उड़ के जा सकता है भाई कहीं भी, तो वो एक दिक्कत हो सकती है। ओके ओके वो ग्राउंड पे आ रहा है भाई, ग्राउंड पे आ रहा है भाई, क्या मैं इसकी HP कम कर पाऊंगा भाई? क्या था ये अटैक? ओ भाई शेट, थोड़ा मुझे रिएक्शन टाइम अपना सही करना पड़ेगा भाई, एंड देयर वी गो भाई, काफी एरोज लग रहे हैं, काफी ज्यादा एरोज लग रहे हैं भाई, मेरे आई थिंक एरोज खत्म होने वाले हैं, फॉर श्योर खत्म होने वाले हैं। शेट ओके ये देखने का टाइम नहीं था, खाओ 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 जल्दी खाओ, आई एम नॉट डूइंग ग्रेट, आई मुझे सीखना पड़ेगा भाई डॉज करना, बट मैं उसको भाई मेगा स्फीयर में पकड़ सकता हूँ, दैट इज अ थिंग, मेरे पास अच्छा वाला बॉल है। या उसकी भाई हेल्थ अभी भी कम है, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी गाइज, वी कैन एक्चुअली कैच इट आई थिंक, मेरे पास बस एरोज अगर हो ना, कितने एरोज है भाई मेरे पास? 36 एरोज है, ओके आई वॉज जस्ट स्केट फॉर नथिंग। आ जा भाई फिर से राउंड नंबर टू। ओके इस बार बेटा तू देख मैं क्या डॉजेस मारता हूँ, इस बार तू देख भाई, बस देख रिया है तू भाई। ओके इसकी हेल्थ काफ़ी कम हो गई है, थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, नाइस, एंड एक और मार देता हूँ मैं इसको, पर मारना नहीं चाहिए था। ओके ठीक है, ओके मैं नॉर्मल पैल्स पे ट्राई कर रहा हूँ, पर यार एक सेकेंड स्विच कैसे करते हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, स्विच कैसे करते हैं भाई? I don't know how to switch, guys. Okay, मैंने फालतू में किया, छोड़ना ही पड़ेगा। राम बाण है क्या भाई? एक बार डाल दिया तीर तो फिर डाल करनी पड़ेगा। How do I use this man? I don't know. Dude, what? How do you decide? अच्छा, okay. Now I know. तो मैं बस scroll wheel करना है भाई. That is how easy it is. Okay, मुझे थोड़ा सा मुझे trial and error करना पड़ेगा. Okay, there we go. 70%. नहीं हो पाएगा शायद, अच्छी बॉल यूज कर रहा हूँ, प्लीज हो जाए भाई, 98% हो जाएगा भाई, लेट्स गो। इट कैरीज न्यू वन पैल्स टू इट्स नेस्ट एंड रेजेस देम एज अ सरोगेट पेरेंट, ओके इट्स लाइक अ क्रो देन, डूड दैट इज सो डोप। हमें एक नया वाला मिला है, हम मुझे बेस पे जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए, बट अब जब हमने इसको खोल लिया ना, आई थिंक हम लोग इसका माउंट भी देख सकते हैं कौन सी लेवल पे खुल रहा है। नाइट विंग भाई जल्दी खोले, काश प्लीज जल्दी खोले, नाइट विंग खुल रहा है, कम ऑन मैन 15 लेवल पे खुल रहा है ये,
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं भाई, पर नाइटविंग इज अ कूल लुकिंग पोकेमॉन मैन। आज तो हम लोग पैल्स ही पकड़ते रह जाएंगे भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है हम लोग कहीं जा ही नहीं पाएंगे भाई। ये पता है, वैसे इन्होंने एक मिशन दिया हुआ है, चैलेंज द बॉस एट रेन सिंडिकेट टावर, मेक श्योर योर पैल्स एंड इक्विपमेंट आर इन टॉप नॉच कंडीशन। एक बॉस को ये लोग चैलेंज करने की बोल रहे हैं, पर आई डोंट नो इफ आई एम रेडी फॉर दैट, मैं शायद रेडी नहीं हूँ भाई उसके लिए। इसकी एबिलिटी क्या है भाई, इसके अटैक्स तो अच्छे हैं, डेंटी ईटर करके इसकी कुछ पैसिव एबिलिटी है, एंड ये गैदरिंग में अच्छा है, सो ओके ठीक है, गैदरर है भाई ये, अच्छी बात है। नाइटविंग सच एन ओपी बॉय यार, इसको उड़ाने में क्या मजा आएगा यार गाइस, क्या मजा आएगा भाई यार। पता है 12 लेवल इतनी दूर नहीं है, वी ओनली नीड 3 मोर लेवल्स टू डू इट, तो अगर मैं थोड़े पैल्स वगैरह पकड़ू ना, आई एम श्योर आई कैन डू दिस लाइक प्रीटी क्विकली। दिस लाइक अ न्यू बॉस पोकेमॉन हियर, चिलेट करके एक लेवल 11 का पोकेमॉन है जो कि हम हरा सकते हैं, लाइक ये तो लेवल 38 का है तो ये तो मुश्किल था, पर मे बी इसको हम लोग हरा सकते हैं। आई एम गोना ट्राई दैट। उससे पहले हम लोग एक बेरी प्लांटेशन बनाएंगे गाइस, देखते हैं तो जरा क्या है ये, इधर लगाते हैं भाई इसको, करो भाई करो बकरियों, लेट्स गो, वी कैन डू दिस, एंड बैम ओके। तो सीडिंग के लिए हमें कोई चाहिए, अच्छा ओके ओके ओके, आई थिंक हमने जो ग्रास टाइप पोकेमॉन पकड़ा था ना गाइस, वो सीडिंग कर सकता है इसकी, लेट्स सी, मेरे को ऐसा लग रहा है या ये कर सकता है भाई, ये कर सकता है, ये देखो भाई भाग के जा रहा है उधर सीडिंग करने के लिए, ओके यार ऐसे तो हम पूरा प्रोसेस यार पूरा वो कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं यार, क्या बात है, दैट इज़ प्रिटी डैम कूल मैन। हमें कुछ इसको छूने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें वाटरिंग के लिए भी कोई चाहिए, मेरे पास वाटर टाइप पोकेमॉन है क्या कोई, वी कैन यूज़ दिस वन, मैंने एक एक्स्ट्रा पकड़ा हुआ था ये, श्योर मैन वील यूज़ दिस वन, ये हुआ एंड येस, ये देखो भाई वो आ गया भाई बंदा इधर, ये थोड़ा देखो थोड़ा सा भाई, मैं ये कर देता हूँ ना पेट, कितना अच्छा काम किया तूने, ये ले, ओ ओ माय गॉड दैट लुक्स अ लिटिल रॉन्ग बट ओके, नाइस नाइस लिटिल क्यू फैंट और टी फैंट वॉट एवर यू आर, हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, ऑसम। बिल्ड पैल गियर वर्कबेंच, बिल्ड स्टैचू ऑफ पावर, ओके तो स्टैचू ऑफ पावर मुझे देखा तो था भाई कुछ तो, Let's see, Statue of Power, ये वाला, can we build this though? I think we can. Yeah, we can. There we go, भाई लुकारियो जैसा लग रहा है भाई, मेगा लुकारियो थोड़ा सा with the cape and all. एक सेकेंड, मेगा लुकारियो की cape नहीं होती भाई. Okay, तो offer lift monk effigies to enhance your capture power. इंटरेस्टिंग, तो मैं एक इसको देने वाला हूँ, कैप्चर पावर 2 हो जाएगी हमारी, पर हमें 4 देने पड़ेंगे डूड, दिस रिक्वायर्स अ लॉट मैन, ऐसे सस्ता नहीं है भाई ये, काफ़ी ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर कम से कम हमने चलो ये बना लिया। पैल गियर वर्कबेंच हमें और बनानी है, ओके आई एम जस्ट गोना कंप्लीट दीज मिशंस मैन, मुझे लग रहा है हमें थोड़ा अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है इससे, ओके पैल गियर वर्कबेंच गोइंग राइट अप, ये तो भाई हुआ हमारा, तो बिल्ड क्रशर, बिल्ड स्टोन पेट, बिल्ड लॉकिंग साइट, ओके वील डू दैट लेटर देन, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ यार, ओके मैं तो निकलने वाला हूँ वापस से नीचे की साइड, मैं यहाँ से सीधा फास्ट ट्रैवल करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड वहाँ पे एक वो बॉस दिख रहा है ना 11 लेवल का, मुझे उसको चैलेंज करने का ट्राई करना है, बिकॉज इवन माय पोकेमॉन आर प्रीटी गुड लेवल राइट नाउ, सो वी कैन ट्राई टू चैलेंज इट, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। ऑल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ कैचिंग अ फॉक्स पार्क्स, वे वॉट दैट वॉज अ मिस, ओके देयर वी गो, ओ भाई ओ भाई ओके, ओ भाई मेरे को मारेगा तू, हैं मैं मास्टर बन रही हूँ भाई, मास्टर एकदम, ओके उसकी हेल्थ भाई काफ़ी सही है, उसकी हेल्थ काफ़ी सही है, उसको मैं गलती से मार ना दूँ बस, कम ऑन, वेट वॉट मैंने 5 फेस कहाँ रख दी अपने, मेरे पास है पर अच्छा ये वाला नहीं था मेरे पास, मेगा वाला, तभी वो बोल रहे हैं, ये ले गलत पे फेंक दिया मैंने, ये ले, डोंट टेल मी दोनों पकड़ में आने वाले, ऑफ कोर्स नॉट एंड ये पकड़ में आ जाना चाहिए भाई, कम ऑन एंड वी ऑल्सो नीड सम फूड राइट नाउ, वेट वॉट कम ऑन मैन, कितना नखरे वाला है तू,
अब तो आ जा भाई, 92% पे भी नहीं आएगा क्या? हाँ ये यू ही ना बात। चलो जी चलो, चलो जी चलो, यहाँ पे एक और ये दिख रहा है मुझे। हेलो मैन, स्किल्ड आइलैंडर, ऐसे क्या स्किल है तेरे में? यू आर अ न्यू फेस, डोंट टेल मी एन आउटसाइडर, नॉट दैट मैटर्स टू मी। नाउ दैट यू हैव, यू आर ऑन दिस आइलैंड, व्हाई नॉट ट्राई टू कैच सम पैल्स, यू गेट एन एक्स्ट्रा ईएक्सपी फॉर कैप्चरिंग अप टू 10 ऑफ द सेम काइंड, यू नो। यू नो व्हाट दे से, पैल टेमर्स गेट स्ट्रॉन्गर द मोर पैल्स दे कैप्चर। ओके थैंक यू फॉर द पेल्डियम फ्रेगमेंट गर्ली वर्ली, थैंक यू फॉर दिस। लिफ्ट मंक वाली चीज हमें भाई ढूंढनी पड़ेगी, लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मुझे समझ में आ रहा है भाई, इट इज लीडिंग अस स्ट्रेट टू दैट टावर। ओके दिस कैन बी डेंजरस बॉय, मुझे थोड़ा डेंजरस एरिया लग रहा है भाई ये। ओके थोड़ा हाई लेवल एरिया है भाई ये शायद, ऐसा मुझे लग तो रहा है भाई। ओ सिक्स लेवल का काफी अच्छा है एक्चुअली, इसको पकड़ लेते हैं। ये ले बैक स्ट्राइक, ये हुई ना कुछ बात, कम ऑन नाइस। ये टावर पे जाने का मेरा मन कर रहा है पता नहीं क्यों भाई, टावर कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है भाई मुझे ये ऊपर। अच्छा ऊपर वो तो है, लाइक देयर इज अ फास्ट ट्रैवल पॉइंट अप देयर, बट ओके आई थिंक लाइक ये चैलेंज बॉस वगैरह वाली चीज है। ओ ये क्या है, इज दैट बल्बसोर? बल्बसोर है क्या? एक सेकेंड भाई, बल्बसोर लग रहा है मुझे वो। व्हाट, हेलो कैप्रिटी, आर यू बल्बसोर? मेरे पास बहुत कम एरोज है गाइस बाय द वे, सो या वी हैव टू स्टे विजिलेंट। डूड दैट इज एक्चुअली लाइक बल्बसोर, नॉट इवन किडिंग मैन, पर काफी स्लो है ये बंदा तो। ओ ओके हाँ, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि मेरे एरोज खत्म हो गए यार। कम ऑन मैन, ये कैसे लड़ रहा है? ओ ये क्या चल रहा है यहाँ पे? एक सेकेंड भाई बल्बसोर, एक सेकेंड रुक जा, ये पीछे क्या चल रहा है भाई? सिंडिकेट का कुछ तो पता नहीं भाई। अरे यार कम ऑन, आई एम गोना ट्राई टू स्पीयर दिस गाय अप मैन, देखते हैं इससे हो पाता है क्या। इसको मैं एकदम कॉर्नर करूंगा और स्पीयर करूंगा भाई। ओके फास्ट अटैक्स कर रहा है। शिट यार, ओके ये स्पीयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है भाई। ओ भाई ओके सॉरी भाई, ए मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं फेंक रहा भाई? तू जा यार, तू मार, अग्रेसिव, कम ऑन मार भाई उसको। अच्छा मैंने इसको निकाल रखा है क्या? ये मेरा ही बंदा है। ओके मुझे लगा मैंने नाइट विंग को निकाला है भाई। नाइस बॉय नाइस, मार और मार। मुझे एक्चुअली ओके शिट, मुझे टाइप इफेक्टिवनेस के लिए जाना चाहिए। ये क्या कर दिया इसने मुझे? अच्छा ये जकड़ने वाला अटैक है। Dude, I'm gonna die, man. I'm actually gonna die right now. Okay, I'm gonna escape. मेरे पास कोई फायर टाइप पड़ा है क्या? फायर टाइप मुझे लेके जाना पड़ेगा। अच्छा फायर टाइप मैंने अभी तो पकड़ा था। We do need a fire type, man. थोड़ा टाइप इफेक्ट ने थोड़ी सोचनी पड़ेगी एंड उसी से काम चलेगा भाई फिर। So we'll remove. We should remove. I think I'm gonna remove Cavi for now. Cavi, I think normal type, right? Yeah, it is normal type Pokemon. This is also normal type and this is also normal type. Okay, हमारे पास normal types को ज़्यादा ही हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग रख लेते हैं। Oh, free के arrows, ये कहाँ से आए? अच्छा वो लोग लड़ रहे थे, उनके हैं क्या? पता नहीं वो syndicate वगैरह पता नहीं क्या चल रहा था guys. मुझे देखना था यार, पर इस बंदे ने मुझे पकड़ के रखा था यार एकदम। तो कुछ तो लाइक आई थिंक syndicate members are like, you know, enemy factions or something like that, I think. I don't know. ये एरिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, थोड़ा हाई लेवल एरिया लग रहा है मुझे। मुझे रात को वैसे आना नहीं चाहिए था। ये क्या है भाई? लार्ज डार्क एग, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम गोना टेक दिस, सॉरी गाइस, जिसका भी हो सॉरी। कुछ है क्या इधर? ओके यहाँ पे एक फास्ट ट्रैवल तो है। मैं टावर के यार एकदम बगल में खड़ा हूँ गाइस अभी। मुझे लग रहा है बॉस को हम लोग अभी भी, या ये वही टावर है जिसका इन्होंने बोला है। यहाँ पे केव भी है यार, व्हाट द हेल, आई डिड नॉट नो देयर वर केव्स इन दिस गेम। एंटर जन, वेट दिस इज डंजन और समथिंग डूड। ओके आई कांट डू दैट अलोन, मैं अकेला तो नहीं कर सकता भाई ये। नो वे आई एम डूइंग दैट अलोन, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन हियर। सिंडिकेट थग एंड वहाँ पे एक पेंगुलेट भी है। ओके भाई ये क्या है? यहाँ पे कुछ तो भी बेस हो रखा है भाई इनका।
ओह डूड दे हैव गन्स डूड नो 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 एक सेकेंड, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते भाई कुछ। ये क्या है, ये क्या चल रहा है भाई, कैसे कैसे पोकेमोन है यहाँ पे। आई वांट टू कैच इट बट आई मीन सिंडिकेट से हमें शायद पहले लड़ना चाहिए भाई। लुक्स लाइक अ गोस्ट और समथिंग। ओ भाई मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने भाई मुझे मार रहा है, मैंने उसको कुछ किया भी नहीं भाई, कम ऑन मैन। ओके ओके शिट 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 दिस इज नॉट गुड, आई एम गोना ड्रॉप माय पोकेमोन, अटैक अग्रेसिवली बॉय। ये वाला नहीं डालना था, ये वाला नहीं डालना था, वील पुट इन आर नाइट विंग। जा भाई तू जा, तू जा, अटैक अग्रेसिवली कर दो फटाफट एकदम, एंड ही शुड अटैक अग्रेसिवली होपफुली। इज ही, आई डोंट नो मैन, मेरे क्यों, मेरे टी फैंड को तो मार ही डाला इन्होंने, बट शिट 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 मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, बहुत यहाँ पे दिक्कत आ रही है भाई, कुछ भी चल रहा है भाई इधर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके अटैक अग्रेसिवली, आई एम गोना ट्राई टू गेट अ बेटर लुक एट थिंग्स, मेरे को एरोज और लाने चाहिए थे वैसे, पर मेरे पास अभी स्फीयर है बस। कैन आई पुट इट हियर, देखते हैं भाई इधर कुछ मार पाता है क्या ये, कम ऑन बॉय फ्रिक देम अप। ओके कर रहा है भाई, अटैक कर रहा है, ओके नॉट बैड नॉट बैड, कम ऑन नाइट विंग, कम ऑन यू कैन डू दिस, मेरे पीछे मत आ टॉम कैट, टॉम बैट सॉरी डूड, दिस इज शिट जस्ट गॉट रियल एक्चुअली मैन। नाइट विंग मरने वाला है डूड, वॉट रियली, ओके नाइट विंग को हम मरने नहीं दे सकते भाई, एक सेकेंड, नाइट विंग नहीं मरेगा भाई आज, ऐसे कैसे, तू निकल यहाँ से टेंजी, जल्दी जा मार इनको, मार मार मार, अटैक अग्रेसिवली बॉय, नाइस। ओ सिंडिकेट था, ये वाला तो मरेगा भाई, ये वाला तो मरेगा कुछ भी करके, नाइस नाइस। क्या मिला इससे, कोर्स एमो मिला हमें भाई, हमें एमो मिल रहा है भाई इनसे, डॉट डॉट डैम डूड, एंड देयर ही गोज, एक तो मारा मैंने कम से कम, एक तो मारा भाई मैंने, कुछ तो किया मैंने मेरा एक और पोकेमोन मर गया गाइस। ये बहुत हाई लेवल एरिया है यार, बहुत हाई लेवल एरिया है ये बीच में किसी को पकड़ भी रखा है यार, मैंने पता नहीं क्या पकड़ रखा है, पर कुछ को तो, किसी चीज़ को तो पकड़ रखा है। ओके कैन आई रिवाइव दीज गाइज, पता नहीं, आई डोंट थिंक मैं रिवाइव कर सकता हूँ इनको अभी भाई। खा बेरी तू जितनी खानी है, पर हील हो जा भाई फट। ए कौन 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 है, कौन है, कौन है भाई, कौन है, टॉम कैट टॉम बैट आई मीन, एक तो टॉम बैट भाई बहुत ही लो लेवल का है, कैन आई कैच इट डू टेल मी आई कैन कैच इट भाई, वो टॉम बैट पकड़ सकता हूँ मैं शायद, ये वाला मैंने अगर सही वाले पे फेंका हो तो, इवन इफ आई डाई हियर लाइक बगल में ही स्पॉन है वैसे तो इट्स नॉट अ बिग डील। यार ये इनका पोकेमोन है क्या टॉम बैट भाई, ओके नहीं यार ये थोड़ा हाई लेवल एरिया ही है भाई ये थोड़ा हाई लेवल एरिया है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू नो कमिंग बैक हियर आफ्टर मेकिंग अ फ्यू गन्स एंड स्टफ, लाइक नॉट गन्स एटलीस्ट लाइक एरोज। भाई अब तुम रुक जाओ भाई, अब तुम रुक जाओ बस, मेरे को एरोज बना के आने दो भाई, ऐसा पीटना है ना मैंने तुमने, तुम देखो बस बहुत ही गंदा मारा है भाई इन्होंने तो मुझे, ये अपने आई थिंक जो फेंट हो गए ना उनको यहाँ पर ही रखना पड़ेगा, 10 मिनट लगेंगे भाई इनको रिवाइव होने में। ओके दैट इज़ नॉट ग्रेट भाई, मेरे पास अब पता है कितने एरोज हैं, मेरे पास है 120 एरोज, अब देखता हूँ भाई मेरे को कौन रोकता है, 130 एरोज हैं एक्चुअली। यार ये लोग क्या पोकेमोनों को ऐसे मार रहे हैं भाई जैसे कुछ है ही नहीं एकदम, यार काश गन मिल जाए, एक मज़ा ही आ जाए भाई। ओ ओके देयर वी गो, एक्सीलेंट शॉट, लेट्स गो फॉर हेड शॉट्स कम ऑन नाइस। बेटा तू को मरेगा भाई, गन दे दो यार प्लीज़ मेरे को, एक इसकी गन दिला दो यार प्लीज़, इजी पीजी इजी पीजी, और कहाँ है भाई और कहाँ है, और निकलो भाई, बहुत मारा तुमने है ना मेरे को, बहुत मारा भाई, अब तुम देखो बस मेरे को मारेगा तू है, तब तक तू एम करेगा तब तक बेटा तू मर जाएगा। मैं अपना वैसे ये क्यों नहीं भेज रहा हूँ, आई कैन ऑल्सो सेंड दिस गाय मैन, मार भाई उसको मार, मेरे को मार रहा है ये, मार ना, क्या कर रहा है तू, मार रहा है क्या उसको वो, हाँ मार रहा है भाई मार रहा है, ओके नाइस नाइस फाइट आई मूव्स मार रहा है भाई। तो मैं कोर्स एमो करके यार एक चीज़ बहुत मिली है, ओके अभी और भी बचे हुए हैं, एक सेकंड भाई बाद में करेंगे, पहले इनको पीछेंगे अपन, होना तो लास्ट ही चाहिए भाई, क्या डैमेज कर रहा है अपना बंदा यार। ओ अच्छा ये वाइल्ड है क्या, आई थिंक नो दिस इज आर गाइज राइट, इसमें यार ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों, इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टू टेल लाइक विच वन इज़ योर्स विच वन इज़ नॉट योर्स, बट या ओ हेलो हेलो गर्ल, ओके आई एम गोना कैच दीज गाइज एज़ वेल, जो भी भाई कम एचपी के हैं भाई फ्री में मिल रहे हैं क्यों ना पकड़ ही लो।
यार एक एक बंदे को इन्होंने पकड़ रखा है बीच में, ये क्या है यार? Why have they caught this guy like this? है क्या ये चीज भाई? ओके होल्ड टू रिलीज पायल. हम क्या ऐश काचम बन रहे हैं क्या भाई? इनको बचा रहे हैं हम लोग ऐसे. ओ डैजी ऑफ, ओ हमने इसको पकड़ लिया क्या? आई थिंक हमने पकड़ लिया इसको गाइस. ठीक है भाई, ओके दैट वाज अ फ्री कैप्चर देन. हमें फ्री का मिल गया भाई ये तो, नाइस लगे. हाँ तो भाई हम लोग इसको जरूर पकड़ लेते हैं. दिस लुक्स लाइक अ कूल लिटिल पोकेमॉन. लुक्स लाइक ईवी डूड, इट लुक्स लाइक ईवी मैन. ईवी है क्या ये? लग तो वैसी रही है. एंड नॉइस, इस समय हमारे एक मिशन भी हो जाएगा, इंक्रीज योर प्लेयर लेवल बाई कैचिंग 30 पैल्स. जैसे कि मैंने बोला भाई मैं आज करना चाहता हूँ अपनी 12 लेवल, जो कि हमने 10 तो कर ही ली है. दो लेवल और क्या ही होता है भाई, दो लेवल कुछ नहीं होता है, हम लोग आराम से कर लेंगे भाई. अरे मुझे इसको जाके हराना था ना, मैं भूल गया भाई पूरी तरह से. मैं एक्चुअली भूल गया, तो आई एम गोना प्लेस अ मार्कर राइट हियर. इसको डिलीट करो, यहाँ पे मेरे को एक मार्कर लगाना है. तो अभी आके वापस से लेट्स सी मैन, लेट्स सी इफ यू कैन डिफीट दिस गाय. उससे यार लेवल अच्छी मिल सकती है वैसे, क्योंकि वो बॉस पोकेमॉन है ना, तो मे बी वी कैन गेट लाइक डिसेंट लेवल. तो मैं सारे अपने अच्छे अच्छे वाले मॉन्स रख लेता हूँ. टैंजी की लेवल थोड़ी सी कम है, बट आई थिंक वी कैन इंक्रीज इट. अच्छा ये हमने अभी हमको मिला था यार, डैजी, डैजी करके एक बंदा है, वो हमें मिला है अभी. लेट्स सी व्हाट दिस गाय इज. इसकी भी एबिलिटी लॉक्ड है. ये थोड़ा थंडरस टाइप का डिज़ाइन नहीं लग रहा गाइस इसका? इलेक्ट्रिक टाइप भी है ये भाई. थंडरस टाइप का डिज़ाइन, लाइक ऐसे क्लाउड में बैठा हुआ है ये. इसका क्या है, वो क्या है इसका? हैंडी वर्क, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टिंग. ओके तीन तीन इसकी वर्क सूटेबिलिटीज हैं यार, नाइस मैन. आई गेस आई कीप इट इन माई टीम फॉर नाउ. इसकी थोड़ी हमें लेवल बढ़ानी पड़ेगी, वो अलग बात है, बट आई थिंक इट कैन बी लाइक अ गुड पैल. ठीक है ठीक है. और कुछ हमें रखना है क्या? बिकॉज आई एम गोना गो बैटल नाउ. लाइक अभी हम लोग मेन बैटल करने जाने वाले हैं. तो पेंगुलेट हमारे पास है, जिसका आइस मिसल वगैरह कुछ तो अटैक्स है भाई क्रेजी. और हमारे पास है फॉक्स पास, इसके पास भाई मस्त अटैक्स हैं. एंड वी हैव टैंजी एंड देन वी हैव डैजी. तो हम लोग आई थिंक फॉक्स पास को सबसे ऊपर रखते हैं, देन नाइट विंग एंड देन डैजी को थोड़ा नीचे ही रखते हैं भाई, बिकॉज आई एम नॉट श्योर डैजी अभी क्या कर सकता है. एंड एरोज तो मेरे पास भाई काफ़ी हैं आई थिंक, या 119 एरोज, दैट शुड बी इनफ. डूड आई नीड मोर स्टोरेज यार, मेरे पास स्टोरेज बहुत ही कम पड़ रहा है भाई. हम लोग वहाँ पे जाने से पहले एक जल्दी से फटाफट एक चीज़ बना लेते हैं, जो कि है कहाँ है लॉगिंग साइट. ये हम लोग को बनाने को बोला भी इन्होंने, तो वी नीड वुड फॉर दिस अगेन. लाइक वुड हर चीज़ के लिए चाहिए यार. एंड देन हम लोग बना लेते हैं भाई स्टोन पिट. आई थिंक ये फार्म्स हैं डूड, हम लोग इसे वुड फार्म कर सकते हैं, इसे स्टोन फार्म कर सकते हैं. तो यार ये क्रेजी हो जाएगा, हमें फिर बार बार ऐसे वुड तोड़ने नहीं जाना पड़ेगा डूड. ओके तो हम लोग भाई पहले लगाएंगे लॉगिंग साइट, इसको लगाएंगे भाई राइट ओवर हियर, दैट वुड बी बेटर. भाई एक मिनट लगता है इसको बिल्ड करने में, ओह माय गुडनेस. ओके तब तक मैं भाई ये लगाने वाला हूँ. वैसे मैं बता दूँ ये मेरा मेन बेस नहीं है, ठीक है? ये मैं यहाँ पे बस सेटअप कर रहा हूँ सब कुछ, बट या आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे एक भाई करने वाला हूँ. अच्छा तो हम लोग ऐसे हम लोग कर सकते हैं फार्म. तो एक वुड कलेक्ट करने में टाइम लगता है, पर मुझे पता है क्या लग रहा है, अगर हम लोग एक वर्क पैल लगाएं जो कि लंबरिंग स्किल जिसके पास है ना, जो कि मैंने देखा था भाई किसी के पास तो है. किसके पास था? अच्छा इसके पास था, ये मंकी के पास. पर ये बंदा भी भाई कर सकता है, तो आई एम गोना डिप्लॉय दिस गाय राइट हियर. देखते हैं ये क्या करता है. या देयर वी गो, जा रहा है भाई ये लंबरिंग करेगा ये बंदा. ये देखो भाई, और ये मेरे से तेज भी कर रहा है, तो आई मीन लीव इट टू द प्रोज देन. तो ये फटाफट करेगा. हम लोग यहाँ से अक्वायर कर सकते हैं 999,000 कर सकते हैं भाई ये. आई एम फीलिंग प्रिटी गुड अबाउट दैट. तो वहाँ पे वो चलता रहेगा, यहाँ पे स्टोन फार्म बिल्ड हो रहा है हमारा. एंड आई थिंक सब कुछ हम ऑटोमेट करने वाले हैं भाई जल्दी. देयर वी गो बॉयज, आई एम गोना टेक ओवर दिस एंटायर वर्ल्ड, लेट्स गो. ओके तो यहाँ पे स्टोन वाला हमने कर दिया है, माइनिंग भी हम लोग कर सकते हैं, विच विल टेक टाइम ऑफ कोर्स. पर बट क्या हमारे पास एक बंदा है जो कि ये कर सकता है हमारे लिए? लेट्स सी लेट्स सी. होना तो भाई चाहिए शायद से. माइनिंग ये कर सकता है. ओ ओके मैंने प्लेस हिम राइट हियर आई गेस. कैवी गेट रेडी टू वर्क बॉय. कैवी को थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, ही टेक्स अ लिटिल टाइम टू डू इट, बट आई गेस इट इज़ वॉट इट इज़ मैन. थोड़ा सा टाइम लगेगा पर कर लेगा भाई बंदा. और ये यहाँ पे भाई ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, बहुत ही सही.
ऐसे ही करते रहो भाइयों भाइयों और उनकी बहनों। बैट रैप डूड, बैट रैप कैन बी गुड। थ्री शॉट बो, ओ डूड ओके, वी नीड अ थ्री शॉट बो, वी डेफिनेटली नीड अ थ्री शॉट बो गाइस। बो दैट फायर्स थ्री एरोस साइमल्टेनियसली ओनली कंज्यूम्स वन एरो पर शॉट। ओ भाई क्रेजी, ओके भाई ये अगर हमने नहीं बनाया तो भाई क्या ही बनाया फिर, ये अगर नहीं बनाया तो क्या फायदा। ये क्या है, ब्यूटीफुल फेदर्ड हेडबैंड समहाउ प्रोटेक्ट्स इट्स वेयरर फ्रॉम लीथल हेड इंजरीज। डूड सम ऑफ दिस स्टफ इज क्रेजी गुड मैन, सम ऑफ दिस स्टफ इज एक्चुअली प्रीटी गुड। ओके मैं बना तो सकता हूँ बट कैन आई मेक द थ्री शॉट बो, नहीं मुझे और चाहिए भाई इसके लिए, बट वी कैन मेक दिस द, ये वाली चीज़ बनाते हैं एक बार। आई कैन मेक वन ओनली बट ठीक है लेट्स सी, किसी काम तो आ ही जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। एंड या अपने आप ही इक्विप कर लिया, नाइस मैन, शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल विद दैट, क्या बात है। ओ भाई वी कैन मेक इट नाउ भाई, लेजेंडरी वो हम लोग बना रहे हैं, इसको बनाने में टाइम लगने वाला है, पर बेस्ट चीज़ क्या रहेगी, हमारे पास 100 कुछ आसपास एरोज हैं और हम लोग भाई एक एरो को यूज़ करके तीन एरोज निकालने वाले हैं। वी हैव गॉट द बो, ओल्ड बो को निकालो भाई, किसी काम का नहीं है ओल्ड बो। थ्री शॉट फ्रिकिन बो, अटैक 40 है इसका, इसका 65 है, पर तीन एरोज अगर लगेंगे तो ऑफकोर्स लाइक 120 के आसपास अटैक इसका हो जाएगा, तो या मन दैट्स ऑफकोर्स मच बेटर। लेट्स जस्ट फर्स्ट ट्रेवल टू दिस गाई राइट हियर, कम ऑन गाइस विश मी लक। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के ऊपर से हमें होके जाना पड़ेगा भाई। ओके डोंट टेल मी इस केव के अंदर है, बिकॉज मैं डंजन में तो डेफिनेटली नहीं जाने वाला भाई अभी, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट द डंजन राइट नाउ। भाई मैं हूँ ऋषभ फ्रॉम द फ्यूचर और मेरे पास एक न्यूज़ है, हमें भाई वो बॉस नहीं मिल पाया, मैंने सब जगह ढूंढा पर वो भाई पहाड़ के ऊपर भी नहीं था, आई थिंक लाइक इट इज़ अंडर वाटर समवेयर और वहाँ पर हम लोग अभी जा नहीं सकते हैं, तो या वी हैव टू स्किप इट, बट आई डिड फाइंड समथिंग कूल। ओह डूड व्हाट, देयर आर सम डायर वुल्फ्स हियर मैन, डायर हाउल, ओके मुझे आर की याद आ गई, मैंने डायर वुल्फ बोल दिया, यार ये लोग मुझे मिलके अटैक करेंगे ना भाई, मुझे लग रहा है मैं गंदा मरने वाला हूँ भाई, मैं गंदा पिटने वाला हूँ भाई। ओ भाई शिट, सॉरी भाई डायर वुल्फ, सॉरी भाई मैं थोड़ा ट्रेन करा दूँ क्या अपने बंदे इधर भाई, मारेगा तो ये तगड़ा वाला, मारेगा तो ये बहुत ही तगड़ा वाला भाई। ओ शिट ओके तीन आरोस पड़े मस्त वाले, यार नहीं मुझे पता है पंगे लेने नहीं चाहिए इनसे भाई, ये बहुत गंदा पीटेंगे मुझे, बहुत ही गंदा पीटेंगे भाई। कितना है, 4% कैप्चर रेट है, नॉट ग्रेट नॉट ग्रेट। ओ यार एक को मार दिया इसने, यार मारना नहीं था ना, बस मारना नहीं था भाई, मारना नहीं था। ओके 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 कम ऑन ओके, पता नहीं भाई पकड़ में आएगा कि नहीं, पर लेट्स सी। 65% कम ऑन, नाइस, वापस आ जा भाई वापस आ, एक पकड़ना था, एक पकड़ में आ गया बस, मेरा तो वहीं पे कोटा पूरा हो गया भाई। थैंक यू, बाय बाय हो रहा है भाई, बाय बाय कर रहा हूँ मैं, निकलो भाई यहाँ से, अब मेरे को नहीं लड़ना भाई, क्यों मरना चाहते हो तुम लोग। अच्छा वैसे डायर हाउल की कब बनती है भाई सैडल, डायर हाउल की शायद थोड़ी जल्दी बन पाए। ओ वेट हम लोग ये क्या, हम लोग फॉक्स पार्क का कुछ बना सकते हैं गाइस, वैसे वी कैन मेक समथिंग फॉर फॉक्स पार्क्स। Activate its partner skill to hold Fox Marks and attack using its flamethrower. Wait, what? How did I not see that? Okay. अच्छा ये रहा भाई Direwolf Saddle Hounds. Okay, dude, we can make some good stuff. We can actually make some good stuff. I'm gonna go back to base, guys. Okay, तो ये कैसे बनाते हैं जरा ये देखें, इसमें बनता है क्या? हाँ इसमें बनता है भाई, Fox Marks Harness and Direwolf Saddle Harness. So ये बनाना आसान है। फ्लेम ऑर्गन हमें एक और चाहिए जो कि आई थिंक हमें फॉक्स मार्क्स को मारने से मिलता है, तो आई कैन डू दैट, दैट इज़ प्रीटी इजी। एंड प्लैडियम फ्रैगमेंट हमें चाहिए, लेट मी कलेक्ट दीज आइटम्स गाइस, फिर हम लोग वापस मिलते हैं। ओके भाई अपने पास सामान होना तो चाहिए इनकी सैडल्स बनाने का। सबसे पहले यार मैं इसकी बनाने वाला हूँ, लाइक द फ्लेम थ्रोअर थिंग साउंड्स वेरी एंटाइसिंग टू मी, मैं देखने वाला हूँ भाई ये कैसे होता है। ओ वेट व्हाट इज हैपनिंग, सिंडिकेट स्काउटिंग पार्टी इज इन्वेडिंग द बेस, ये भी होती है क्या कोई चीज भाई, व्हाट द हेल, कहाँ से आ रहे हैं लोग, ऊपर से आ रहे हैं। ओके ये बेस्ट टाइम ट्राई करने का, ये बहुत ही सही टाइम ट्राई करने का, क्योंकि हमारे पास है भाई फॉक्स पार्क्स, मैंने फॉक्स पार्क्स को दिया हुआ है क्या ये। ओके लेट्स सी इफ यू कैन डू दिस, निकल भाई। ओके हगी फायर कैसे करते हैं भाई, आ जा। ओ भाई ओके आ जाओ भाई आ जाओ। ओ भाई व्हाट
दिस इज लिटरली अ फ्लेम थ्रोअर गाइज, नॉट इवन किडिंग मैन, दिस इज एक्चुअली अ फ्लेम थ्रोअर. पर इसकी एक टाइम लिमिट रहती है यार, तो ये लोग जल्दी थोड़ा आ जाए ना. तुम देख रहे हो लाइक वो टाइम लिमिट थोड़ी कम हो रही है, तो मैं इनको वहां पर जाके मारने वाला हूँ भाई. क्या ही करें अब, आ जाओ भाई. इनके पास गन ना हो यार, बस आई थिंक गन है इनके पास. शिट, आ जाओ भाई. कितनी रेंज है इसकी, कितनी रेंज है इसकी? रेंज बहुत बहुत है, बहुत रेंज है, बहुत ज़्यादा रेंज है भाई. ये मर गया, वॉट? ओके, काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया. पर डूड द रेंज इज इनक्रेडिबली गुड मैन. ओए वापस आ जा भाई, कहाँ पे तू? फॉक्स पार्क्स आ जा. डैम डूड, आई लव दैट मैन, आई एब्सोल्युटली लव दैट. थोड़ा सा कम चला पर आई मीन इट वॉज नॉट बैड. निकल यहाँ से, निकल यहाँ से तू, निकल निकल भाई. थ्री शॉट बो अमेजिंग है भाई इनके लिए. यार पोकेमॉन कितने सही फेंड ऑफ कर रहे हैं भाई, पोकेमॉन उन्होंने मार दिया भाई मेरे तो. क्या बात है, नाइस वर्क बॉयज, नाइस वर्क. बहुत ही सही काम किया तुम लोगों ने भाई. ये रेड भी हो सकती है भाई बीच बीच में, मतलब ओके. अच्छा हमें इसके लिए दो और लेदर चाहिए. श्योर मैन, वील ट्राई टू फाइंड सम. ओ एक सेकेंड, मैं इस पर हगी फायर यूज करता हूँ. आ जा भाई जल्दी फटाफटा हगी फायर यूज करते हैं अपन. फ्लेम टाइप है, फ्लेम टाइप ही मारेंगे अपन, क्या फर्क पड़ता है. ये देखो भाई क्या गंदा डैमेज पड़ता है भाई. वापस आ जाओ. इस पर क्विक बॉल फेंकेंगे अपन फिर से. क्विक बॉल बोल रहा हूँ मैं, एक सेकंड. पैल स्पीयर जो भी है आ जाएगा भाई, इतने में तो आ ही जाएगा. चलो भाई बढ़िया. बट इसका थोड़ा सा और बचा हुआ था. कैन वी स्टिल यूज़ इट? वी कैन नॉट यूज़ इट. ओके तो या तो भाई पूरी एबिलिटी यूज़ करो या फिर यूज़ ही मत करो, क्योंकि भाई अगर तुमने पूरा यूज़ नहीं किया ना तो फिर भी लाइक रिचार्ज स्टार्टिंग से ही होता है. सो या दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस थिंग. ओह वी आर लेवल 12 भाई. पोकेमॉन पकड़ते ही मैं लेवल 12 का हो गया यार, लाइक कैजुअली. डैम डूड. एंड यस वी हैव इनफ टू मेक द डायर हाउल सैडल. ओह भाई फाइनली भाई राइट पोकेमॉन यूज कर पाएंगे. इतना चलना पड़ता है ना इसमें, पता है तुम मूवमेंट स्पीड नहीं बढ़ा सकते जैसे आर्क में होता है ना. वैसे तो मूवमेंट स्पीड नहीं बढ़ा सकते यार कैरेक्टर की, एंड इट इज़ सो बैड. पर इन्होंने पता है आर्क असेंडेड में भी ऐसा कर दिया है कि अब तो मूवमेंट स्पीड नहीं बढ़ा सकते भाई. आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड टू सी दैट. कितना मज़ा आता था भाई, लाइक मैं तो स्पैम करता था भाई मूवमेंट स्पीड उसमें. एंड देर वी गो, तो अपने आप ही लग जाती है क्या? आई थिंक हमें पता है किसी पर कुछ लगाने की ज़रूरत है ही नहीं. हमारे पास जितने भी डायर हाउल्स हैं ना, हम लोग सब पे बैठ सकते हैं अब, लाइक एक तरह से स्किल हो गई भाई ये. तो मेरे पास डायर हाउल आई थिंक इसमें आ गया होगा. डायर हाउल वेयर यू एट मैन? मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गया भाई पैल्स. गॉड डैम, आई हैव गॉट लाइक टू मैनी पैल्स मैन. सो वी विल ब्रिंग इन दिस गाय आउट. सबसे बेस्ट पार्ट ये कि हम लोग इसको राइड कर सकते हैं. ओ भाई डूड दैट इज कूल. ओ हम लोग इस पर अटैक भी यूज कर सकते हैं, फियर्स फैंग. डूड दैट इज ऑसम मैन, दैट इज एक्चुअली ऑसम. हम लोग दो अटैक्स यूज कर सकते हैं, एक तो सैंड ब्लास्ट ये वाला भाई, क्रिटिकल हिट ओपी. और ओके ये भी मरेगा क्या इससे? अच्छा रिचार्ज हो रहा है अटैक, थोड़ा टाइम लगता है रिचार्ज होने में. एंड फियर्स फैंग यूज कर सकते हैं ये वाला. ओ शिट मुझे लगा हम लोग मरने वाले हैं. बट या वी कैन यूज दीज थिंग्स. और एक और अटैक है जो कि अभी अनलॉक्ड है क्योंकि इसकी लेवल शायद थोड़ी कम है. बट या हम लोग वो भी कर पाएंगे भाई यूज. डूड दिस इज सो कूल डूड. तो हम लोग इस पर क्या, या वी कैन डू दैट. हम लोग इस पर बैठे बैठे पैल्स पकड़ने का भी ट्राई कर सकते हैं. ये वाला थोड़ा सा नहीं पकड़ में आ पाए, कोई बात नहीं. इस पर हम लोग बो एंड आरो भी चला सकते हैं गाइस, पर थोड़ी सी मूवमेंट स्पीड तुम्हारी कम हो जाती वो है. इट्स नॉट बैड दो, इट्स स्टिल प्रीटी गुड. डूड दिस इज सो अमेजिंग यार. तो पता है आइटम्स भी उठा सकते हो उसे बैठे बैठे यार. व्हाट? ओह माय गॉड मैन. ओके भाई मूवमेंट पूरी तरह से बदल गया भाई इससे. इट मूवमेंट इज सो मच फन नाउ. ओ एक सेकेंड, क्या हुआ? मैं एकदम से वेट, आई वॉज डिसमाउंटेड अचानक से. पर पता नहीं आई थिंक मैंने कुछ गलत एफ दबा दिया होगा शायद मैंने. मैं मतलब वुड नहीं तो मैं तोड़ सकता हूँ. वेट व्हाट? दिस इज टू मच. हाउ कैन आई डू दैट? अगर मैं राइट क्लिक करके रखूँ ना तो फिर मैं स्पेशल एक्शंस कर सकता हूँ गाइस. पता नहीं चल रहा भाई, आई कॉन्ट टेल मैन. मुझे मिल भी रहा है क्या? अभी बस 8 है. आई डोंट नो मैन, आई डोंट थिंक यू कैन. बट या मैन सो कूल, ये चीज़ काफ़ी कूल लगी भाई मुझे. तो या गाइस हमें लाइक माउंट्स भी मिल चुके हैं हमारे. भाई अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है वुड से. अगले एपिसोड में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोना ट्राई आउट अदर माउंट्स एज वेल. तो हमने अभी अभी खोला है भाई
टैंजीज असॉल्ट राइफल, भाई ये कुछ अमेजिंग होगा। एंड हम लोगों ने खुला ये भी, ये वाला सैडल, तो दोनों हम लोग ट्राई करके देखेंगे भाई अगले एपिसोड में, लेट्स सी कैसा होगा। एंड देन वी कैन इवन ओपन अप क्रॉसबो गाइस, क्रॉसबो, मेटल स्पीयर, ये सब चीज़ें भाई काफ़ी पास में है, काफ़ी करीब है। आई होप यू गाइस एंजॉयड, अगर भाई मजा आया हो तो भाई लाइक वाइक मार देना। बट या गाइस, फॉर दैट टुडे दैट इज इट, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।